डर लग रहा है क्या ऑफिसर? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जो तुम जानना चाहते हो वो सब मैं बताऊंगा। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, मेरे द्वारा बताया गया हर एक शब्द एकाग्र होकर सुनो, एकदम ध्यान से, बस। मैं जो बोल रहा हूं मानोगे ना? जरूर मानूंगा प्रोफेसर। दैट्स गुड। तुम सामने देखो, अपनी सांस अंदर लो, पूरी सांस भर लो, फिर इसे धीरे धीरे छोड़ो। सांस को धीरे धीरे छोड़ो और 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 धीरे धीरे छोड़ो। मैं भी हॉस्टल पहुंच गई हूं। और तुम कहाँ? मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। नेहा, I'm sorry. Sorry कहा ना मैंने तुम्हें? छोड़ो मुझे। नेहा, leave me. नेहा। ए। मेरी आंखों में देखो। I'm sorry. It's okay. चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? मुझे देखकर क्या छुपा रहा है? कुछ भी नहीं भैया, कुछ नहीं। राज कहाँ है? कुछ काम से अभी भी बाहर गया है। ए, मैंने उसे कितनी बार कॉल किया पर उसने फोन नहीं उठाया। क्या बात है, तुम लोग कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब क्या है? आखिर बात क्या है, बताएगा या नहीं? भैया एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले हम एक प्रोफेसर से मिले थे। सो तुम लोगों ने मेरा पजल सॉल्व कर लिया? यस सर। तो फिर अंदर आ जाओ। अच्छा बताओ, तुम लोगों में से किसने ये पजल सॉल्व किया? तुमने या तुमने? हम दोनों साथ में किया सर। एक साथ किया? ये तो दो लोगों की चीज नहीं है। अगर मैं तुम दोनों में से किसी एक आदमी को हाँ बोलूंगा तो तुम क्या करोगे? तो हम दोनों चले जाएंगे सर। ऐसा है क्या? चल अरे रुको रुको, बैठो। इस बार तो तुम लोगों ने मिलके ये सॉल्व किया, लेकिन आगे से तुम लोग ये मिलकर सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ ठीक है सर, हम दोनों अलग अलग करेंगे। यस। तो फिर ठीक है। अच्छा बताओ, तुम लोग यहाँ आए किसी को बताया तो नहीं? वो हम बोलकर आए कि हम ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं सर, और किसी को कुछ नहीं बताया। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी विद्या सिखाऊंगा। सो टेल मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट माइंड? असल में आपका माइंड ही आपका सच्चा गुरु है। आप जो भी सीखेंगे वो अपने माइंड की वजह से ही सीखेंगे। आप अपने माइंड से किसी भी चीज़ को डिकोड कर सकते हैं, चाहे कोई भी प्रपंच हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, डिकोड कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है प्रोफेसर? जो आप सीखना चाहते हैं मैं एक सेकंड में सिखा सकता हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे आप दोनों ये पजल सॉल्व करके दिखाओ। समझ गए ना? दैट्स ऑल। सर अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं, मैं आपकी तारीफ कैसे करूं? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है? वो कपड़ा लाकर मेरे आंखों पर बांध दो। तुम दोनों में एक आदमी यहां रहो और एक आदमी ऊपर जाओ, वहां पर पड़ी हुई चीजों को अपने हिसाब से बदल दो। उसके बाद मैं उन सब चीजों को व्यवस्थित कर दूंगा। ओके ओके गो।
बहुत दिमाग लगाया था तुमने। वाओ! अभी जो तुमने देखा बहुत छोटा सा प्रदर्शन था। तुम दोनों को दिखाने के लिए और सिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। सिंबल्स, नंबर्स एंड वर्ड्स, दैट्स द गेम। आप दोनों ये तीनों पजल सॉल्व करके लाओ, उसके बाद वशीकरण विद्या सिखाऊंगा। सर, अगर आप अपनी विद्या हमें सिखाएंगे तो हम दोनों आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारी तरह सीखने के लिए बहुत व्याकुल था। तुम भी मुझे समझदार लड़के लगते हो। यस सर, इसको सॉल्व करने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप देख लीजिएगा। अच्छी बात, तुम लोग जल्दी सॉल्व कर लो, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम लोग कितनी जल्दी सॉल्व करोगे ये भी तो मैं देखना चाहता हूँ। यस सर, यस। ओके, हाँ, तुम लोगों ने अपना नाम नहीं बताया। राज, धीराज, आई मीन धीरज। अच्छी बात है, कम। ओके सर। भैया, उसने तीन पजल्स दिए थे, दो पजल्स हमने सॉल्व कर दिए। सो राज की लास्ट पजल मैंने सॉल्व की थी, अब ये बता वो कहाँ है। वो पजल सॉल्व करने के बाद तुम लोग उससे वापस मिले थे? हाँ भैया। ओ मेरे प्रिय शिष्य, आओ 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 बैठो। तुम लोगों का चेहरा देखकर ये पता चलता है कि तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया। यस सर, वी डिड इट। वेरी गुड। मैं जानता हूँ आपके दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम कामयाब हो जाओगे। आई बात समझ में? मेरा एक छोटा सा गांव था, मेरे पिताजी कारपेंटर थे। मैं बचपन से ही बहुत कुछ सीखना चाहता था। मेरे मन में ये था कि मैं कारपेंटर नहीं बनना चाहता, लेकिन नसीब तो नसीब है, उसे कोई बदल थोड़ी सकता है। लेकिन ये सब आपने कैसे हासिल किया प्रोफेसर? मतलब इस फील्ड में आप कैसे आए ये जानना था। बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ जादूगर आए थे, उन्हें देखकर मैं आकर्षित हो गया। मैं उनके पीछे चला गया। जेब में सिर्फ मेरे पिताजी का दिया हुआ 10 रुपये था। मन में कुछ नया सीखने का सपना पाला था। मैं 13 साल का था। मैं उस उम्र में उन लोगों के साथ चला गया। थोड़े ही दिनों बाद मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि ये सब लोग कुछ नहीं जानते। हम जो देखते हैं ये छोटा मोटा ट्रिक है। उनके पास कोई मंत्र तंत्र की शक्ति नहीं है, उन्हें कुछ पता भी नहीं है। उन जादूगरों में एक बुजुर्ग जादूगर भी था। मैंने उनसे पूछा कि मैं ये सारी शक्तियाँ सच में कैसे हासिल कर सकता हूँ। उन्होंने बोला, योग में ही सारी शक्तियाँ समाहित हैं, हरिद्वार चले जाओ। मुझे लगा वो लोग मजाक कर रहे हैं। मैं उसकी खोज में भटकता रहा, हरिद्वार पहुँच गया। योग किया, ऋषियों से मिला, स्वामियों से मिला, साधुओं से मिला, इन सब के साथ बहुत घूमा। आखिर में खाने के लिए मैं तरस गया। जो आप सोच भी नहीं सकते वो मैंने खाया। भैरव के पास जीवों की बलि दी, अघोरियों के साथ मिलकर मुर्दों को भी खाया मैंने। क्या बात है प्रोफेसर, आपकी लाइफ में इतना एडवेंचर था। मैं जीत चुका हूं तो आज तुम सब लोगों को साहसी नजर आ रहा हूं। यदि मैं हार गया होता तो तुम भी मुझे पागल कहते और बेकार आदमी कहकर भगा देते, है कि नहीं? मैंने ये सब देखा है और भी बहुत कुछ सीख रहा हूं। कहां से? मेरे पास एक पुस्तक है, उससे सीख रहा हूं। अगर तुम लोग ये पजल सॉल्व करने में मेरी मदद करोगे, मैंने जो कुछ भी सीखा है तुम्हें सिखा दूंगा। That's the deal. Yes, professor. It's a deal. ये रख लो। अभी तक तुमने जो भी पजल सॉल्व किए उससे कुछ ज्यादा ही कठिन है, फिर भी देखते हैं तुम लोग ये कैसे सॉल्व करते हो। प्रोफेसर, आप हिप्नोटिज्म सिखाने वाले थे, भूल गए क्या? जो तुमने काम किया उसका फल मांगना कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन तुम्हें वो सब सीखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तुमने जो ये पजल सॉल्व किए हैं उसी में वशीकरण की विद्या छिपी हुई है। जैसे इंसान एक साधारण सी गुड़िया बना सकता है, ठीक उसी तरह से पहाड़ भी बना सकता है। ये फूल को देख रहे हो, इसमें से जो रसायन निकलेगा वो माइंड को सबकॉन्शियस करता है, और कोई खास बात नहीं है। कहीं भी जाकर तुम ये फूल से रसायन निकालकर बना सकते हो। इट्स इजी, किसी प्रयोगशाला में जाने की जरूरत नहीं है, घर पे भी बना सकते हो। ओके, एक म्यूजिक नोट्स। मंगोलियन तांत्रिक के हिसाब से सेमनिज्म की प्रक्रिया से भी ये सब कर सकते हैं। दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, मनुष्य मरने के बाद भी किसी से भी मिल सकता है। यदि इन तीनों का प्रयोग किया जाए तो वशीकरण की विद्या में महामंत्र की शक्ति की तरह काम करेगा। उसके बाद जिसके ऊपर तुम इसका इस्तेमाल करोगे, जो तुम कहोगे वो वही करेगा। चलो।